मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे परिचय जान करके। आज के इस संवाद कार्यक्रम में यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित हैं पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी हैं, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक साइंस डॉक्टर जी के गोस्वामी जी हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजीव मल्होत्रा जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स और जितने भी पहले बैच में प्रवेश लेने वाले नवागंतुक छात्र हैं, आप सबका अभी मैंने परिचय दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने प्रदेश के पहले फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में रुचि दी है। या आप में से ज्यादातर छात्रों के लिए जिन लोगों ने इस फील्ड की थोड़ी पढ़ाई की है या जिनका बैकग्राउंड ऐसा होगा, उन लोगों के लिए इसके क्षेत्र में के बारे में कुछ जानकारी उन्हें होगी, लेकिन शेष अन्य छात्र छात्राओं के लिए यह एक नया फील्ड है। लेकिन इसमें फ्यूचर है, और इस उद्देश्य आपके लिए इसमें नहीं एक संभावनाएं निकलेंगी। उन संभावनाओं को ही राज्य सरकार ने एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के गठन का निर्णय लिया, और इसका पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि पहला सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, इंस्टीट्यूट के शिलान्यास की औपचारिकताएं हम लोग 2021 में प्रारंभ कर चुके हैं, निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, बहुत शीघ्र फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट तैयार होगा। इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं, और उस समय हम लोगों का वहां आगमन भी होगा। लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट के न्यू हैं, ये इंस्टीट्यूट किस स्तर का बनना चाहिए और इसकी ख्याति कैसे होनी चाहिए, यह यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ पे तैनात अधिकारियों को और यहाँ के फर्स्ट बैच को, उसकी नींव को तैयार करना है। मैंने जो बताया कि आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी छुपा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, हम अक्सर बात करते हैं रोल ऑफ लॉ का, हम अक्सर बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, हम अक्सर बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ये जितने भी शब्द हैं यह समयबद्ध तरीके से, समय से अगर न्याय नहीं मिल पाता है,
न्याय सरल नहीं है, सस्ता नहीं है, तो फिर ये शब्द बेकार हो जाते हैं, इनके मायने बदल जाते हैं। आम जनमानस का विश्वास अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं से हटा या पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था से हटा तो किसी के हित में नहीं। और इस दृष्टि से हम लोगों को भी हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने को समय के अनुरूप तैयार करना है। आज आप इस समय देखते होंगे साइबर क्राइम के दो प्रमुख क्षेत्र देश के अंदर बड़े कुख्यात हुए हैं इस समय, एक सुदूर झारखंड में है और एक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। और ये क्षेत्र देखिए नकारात्मक मानसिकता कहां जाती है और कैसे किसी सिस्टम का और किसी तकनीक का दुरुपयोग करती है, इसके दो उदाहरण हैं। झारखंड के जामताड़ा के पास और राष्ट्रीय राजधानी के मेवात में साइबर क्राइम से जुड़े हुए ज्यादातर मामले पाए गए हैं। ये सभी देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में माने जाते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने की बजाय नकारात्मक दिशा में ले जाने का दुष्परिणाम क्या है, इन्होंने इस फील्ड में अपराध के कुछ नए नए तरीके अपनाए। और वहां के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि लोगों ने पेड़ों के ऊपर चढ़ करके अपने एंटीना लगा करके वहां से अपराध को आगे बढ़ाना शुरू किया और इसको अपना पेशे का हिस्सा बनाया। और उसके बाद लोगों का दृष्टिकोण वहां के बारे में बहुत नकारात्मक हुआ। आज वहां के बारे में हर एक इस फील्ड की हर अपराध की जड़ों को वहां तलाशता है, वहां कार्रवाई होती है, लोगों का दृष्टिकोण उस क्षेत्र के बारे में बहुत नेगेटिव है। ये चीजें हमें क्या दिखाती है? कि लोगों में ऊर्जा थी उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो योग्य योजक होने चाहिए थे उसकी कमी थी, या फिर उन्हें उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है साइबर से सब साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है, अक्सर होता है कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में, और बहुत बार रिपोर्ट में भी इतना घालमेल होता है कि उस पे भी प्रश्न खड़े होते हैं। ढेर बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और सोसाइटी की आज की डिमांड क्या है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। अब देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है,
अगर हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे पिछड़ जाएंगे। हम एक कॉमन मैन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और इसीलिए प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम लोग इस यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना करेंगे। इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसका पहला बैच 5 ब्रांच के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया है। मैंने गृह विभाग को भी और इस संस्थान में जो अधिकारी हमारे कार्य कर रहे हैं मैंने उनको इस बारे में पहले से कहा कि भाई आप लोग पहले दिन से इस बात को तय करिए कि हमें इसको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना है। उस प्रकार के हम कोर्सेज इसमें लेकर के आएंगे। इस संबंध में लगातार देश के अंदर के उन सभी संस्थानों के साथ इंस्टीट्यूट के एमओयू हो रहे हैं, उनके साथ उनकी लगातार सेटिंग हो रही है, उनके साथ लगातार एक संवाद के माध्यम से उनको आगे अपने साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। और फैकल्टी को भी हम लोगों ने कहा कि अच्छी फैकल्टी को चयन करके यहां पर लेकर जाइए। आप लोग चाहे वह फैकल्टी हो चाहे वह स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट बैच को कैसे आगे ले चलना है यह आपको तय करना है। यूपी पुलिस इसको संचालित कर रही है और फोर्स का पहला नियम है अनुशासन। मुझे लगता है कि आप सबको भी इसमें तय करना होगा। अभी से इंस्टीट्यूट के संचालन के लिए एक सामान्य कार्य योजना बनाना, एक एक कार्य के लिए स्वयं भी और दूसरे को भी जवाबदेही तय करना है, ऑनरशिप लेना हर एक चीज की। यहां ये इंस्टीट्यूट हमारा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, इसको इसकी ख्याति देश के अंदर भी हो और विदेशों में भी हो। इसके लिए पहले दिन से आपका जो प्रयास प्रारंभ होगा वह इंस्टीट्यूट को एक नई पहचान दिलाएगा। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास कर रही है। इस 25 करोड़ की आबादी की कुछ अपेक्षाएं होंगी, उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। आज हम लोग प्रदेश के अंदर हर जोन और रेंज में एफएसएल की लैब्स बना रहे हैं। हमने हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी हमें उत्तर प्रदेश में तब केवल दो साइबर थाने थे, वे भी फुल्ली फंक्शनल नहीं थे। हमने कहा भी हर रेंज में स्थापित करो। देखिए 2017 में क्योंकि साइबर क्राइम उस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसका एक ट्रेंड चल रहा था और लगातार बढ़ रहा है। उस समय भी हम लोगों ने इसको कहा था कि भाई इस चीज को हमें थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट आज भी उसकी कमी महसूस की जाती है। आज हम इस बात को मानते हैं कि रेंज नहीं, यह हर जनपद में होना चाहिए और हर थाने में। जो 1537 थाने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, इन सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क के साथ साथ वहां पे ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता वहां महसूस की जाती है। एफएसएल लैब जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, साइंटिस्ट नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, और एक केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रदेश के अंदर की स्थिति है। उस आवश्यकता की पूर्ति के आप माध्यम बनेंगे एक, लेकिन इसमें भी
अपने को हमेशा तैयार करना होगा कि समाज की आवश्यकता क्या है, वो क्या सोच रहा है, उससे दो कदम आगे सोचने की एक आदत डालना, अपनी दृष्टि को थोड़ा विस्तार देना होगा, संकुचित करने की आवश्यकता नहीं, उसको विस्तार देना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की एंटी सोशल, एंटी नेशनल या किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को या सिक्योरिटी को चैलेंज देने वाले तत्व से दो कदम आगे सोचने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप उसको नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आप उससे दो कदम पीछे तो वह आपको नियंत्रित कर देगा, आपकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देगी। इसके लिए निरंतर संस्थान में कार्य करना है, स्टडी पेपर लिखे जाने चाहिए, अलग अलग जनपद के, अलग अलग प्रदेश के, राज्य में रेंज, जनपद वाइज, रेंज वाइज, जोन वाइज हमें उसको फिर देखना चाहिए कि किस प्रकार के अपराध की स्थिति है। आप उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन करिए, देखिए उसको, फिर उस पर रिसर्च होना चाहिए, क्या कारण है, क्यों ये अपराध इसी क्षेत्र में क्यों होता है। देखिए मैं बता सकता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं और 75 के 75 जनपदों के अंदर मैं बता सकता हूं किस जनपद में किस प्रकार के अपराध ज्यादा होते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार के प्रवृत्ति के अपराधों की बहुल्यता है और उसको कंट्रोल करने के लिए उस प्रकार के लोगों की हम तैनाती करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उस प्रकार की चीजों को हम लोगों ने जब अभियान के रूप में उसको एक मिशन मोड पर लिया, परिणाम है यूपी में शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, सुरक्षा का एक वातावरण कॉमन मैन के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर हम भी उसको एक काम चलाओ रख देते कि चलो जो जा रहा है चलो उस तो करेगा, तो ये तो टालने वाली स्थिति है, लेकिन नहीं, हमें कहा कि नहीं, फलाने जिले में इस प्रकार का अपराध है, यहाँ पे इस प्रकार की व्यक्ति होते हैं, इनके साथ एक टीम होनी चाहिए, व्यक्ति अकेले नहीं करेगा, इसके साथ एक टीम होनी चाहिए, टीम इस रूप में कार्य करेगी। रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए, वह टीम भी वहां उस प्रकार की मेहनत करती है, जाने के पहले उनको बता दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है कि भाई देखो वहां इस प्रकार का अपराध है, वहां इस प्रकार की प्रवृत्ति है, इसको कैसे कहां संवाद से आपको कार्य करना है, कहां फोर्स उपयोग करना है, कहां पे आप लोगों को सोसाइटी को वाच करना है, कहां पे कैसे आपको इन चीजों को देखना है, वो चीजें अपने आप आती हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट अगर स्टडी से, रिसर्च से अपने को दूर करता है तो अपनी आगे बढ़ने की संभावनाओं को वहीं पे बाधित कर देता है। आपका भी फर्स्ट बैच है, लेकिन मुझे लगता है अगले वर्ष से आपके यहाँ और भी अन्य अन्य कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, बीटेक के कार्यक्रम होंगे, एमटेक के कार्यक्रम होंगे, एलएलएम के इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपके यहाँ प्रारंभ होंगे और भी अन्य तमाम कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं वहां पे। उन स्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करना इंस्टीट्यूट को और रिसर्च से अपने आप को हटाना नहीं, एक एक चीज पे स्टडी हो सकती है, एक एक अपराध की प्रकृति पे स्टडी हो सकती है। एक गांव में अगर एक गांव में किसी प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ है, ये भी अपने आप में एक हमारी स्टडी का विषय है और हो सकता है उस स्टडी को अगर हम पुलिस को या राजस्व को दे करके उसके निष्कर्षों के साथ हम दे दें तो उस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हो सकता है कि आपकी स्टडी कारगर हो जाए। पिता और पुत्र के बीच में मैं भी एक समाचार सुन रहा था, एक